What big boy? Why are most of the scenes in slow motion? Sorry? Why are most of the scenes in slow motion? You know, because I think when you're with somebody you really love, you want time to slow down. You want to spend, and every moment, every second matters. So it really is one way, I guess, metaphorically of showing you that, that everything is there to be remembered as a memory, every single second. And now I'll check with Bijoy and tell you whether that's true or not. सर इस फिल्म में जो कुछ है ना सब पर्पजली किया है, सब पर्पजफुली, उसमें कोई विदाउट पर्पज कुछ नहीं है. गाना भी हमने पर्पज के साथ ही लिखा है. देखिए मैंने ऐसा हुआ कि शांतनु आया घर में और हम लोग कंपोज कर रहे थे मेरी स्टडी में, तो वो गाना बनाता गया और मैं लिखता गया. मैंने ये कभी नहीं सोचा कि यही फाइनल लिरिक्स रहेंगे. मैं तो ऐसे भर रहा था. और ये गाने में अगर आप देखें तो बहुत अनयूजुअल है कि पहला अंतरा और सेम दूसरा अंतरा जो लड़का और लड़की गाते हैं सेम है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये फाइनल गाना हो जाएगा. लेकिन ये इतना अच्छा बन गया कि बस फाइनल हो गया. ये एक्चुअली इनके पिताजी के साथ भी हुआ था. इफ़ यू रिमेम्बर, एक गाना बना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो धुन थी. वो लक्ष्मीकांत जी ने धुन सुनाई थी जावेद साहब को कि ऐसी धुन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो जावेद साहब ने कहा यार ये इतना अच्छा है कि यही बनेगा. तो ये हमारा 1 2 3 है. Oh, you saw that good. जी ये बिल्कुल वही है, ये वही है. वो उसमें डस्टिन हॉफमैन और एड नॉर्टन उस वक्त हमारे साथ काम कर रहे थे और ये उसी फिल्म का हिंदी वर्जन. अरे वेरी ब्यूटीफुल है, इट्स लाइक व्हाट सिंपल है बट देन विद ब्यूटी यू कैन से व्हाट आई वांट टू से अबाउट योर रोल इन फैक्ट लाइक इन पर्टिकुलर. आई एक्चुअली आई डोंट वांट टू टेल यू टू मच अबाउट इट बिकॉज़ इट्स अ मिस्ट्री थ्रिलर अल्टीमेटली अबाउट द लुक. या यू कैन से अबाउट द लुक. अभी द लुक आई विल हैव टू पुट इट थ्रू टू माय ग्रैंडमदर एंड माय मदर. अच्छा सादगी या इट्स अ ब्यूटी यू कैन से. Yeah, but that is a part. Yeah. That is a part. She's a sort of gentle, sort of very loving. It's a relationship which is sort of steeped in love and like what I think Farhana said a lot, and I don't want to say more because it is a particular. Yeah. Jo but it's quite competition aapke aur Amit ji ke beech mein gehri competition dekhne milega sir. Competition mein unke sath ab kya competition karunga yaar, nahi aisi baat nahi hai. The fact is it's a great collaboration. And it's nice because, you know, you want to challenge each other when you're working in a scene. And honestly, as an actor, I'm still very young, you know, and I've grown up seeing his films, seeing his work. I'm a huge admirer of him. A, to work with him was fantastic. Bahut khushi ki baat thi. And then, of course, to be like stimulated by someone, you know, when you're on set, by someone who's so good at what he does. I mean, I think it really helped me up my performance as well. So that's all of this. Farhan, हम लोग टीवी से लगातार मिल रहे हैं, so this was with the purpose like कि या it was. सर ये मैंने plan ही इसलिए किया था ताकि मैं आपको 3 दिन ना रोकूं. ये plan ही ऐसे हुआ. क्योंकि otherwise you don't meet me, you don't answer my calls. क्या करूँ? Farhan sir, don't you think like the song, but don't you think the lyrics that are being said तेरे में आजकल बहुत common हो गए हैं? यार मैंने लिखे यार, कमाल कर रहे हैं तू यार, मुंह पर बोल रहा है ऐसा कैसा? भैया ये लिरिक्स जब लिखे थे तो फाइनल नहीं थे, मैं बोल चुका हूँ, पर जिन लोगों ने सुना उनको इतने अच्छे लगे कि ये रहने दिए मैंने. तो आप ऐसा लेके चलिए कि लिरिक राइटर इसका बिल्कुल बेकार लिरिक राइटर है, लेकिन उसको अच्छा लगा और लोगों को अच्छा लगा तब मैं रख दिया. तो कॉन्टेक्स्ट में व्हेन दे कम व्हेन दे फॉलो इन करेक्टली आई थिंक दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. अगर आप सिर्फ वर्ड्स को पकड़ के चलेंगे तो फिर प्यार कितना यूज हुआ है, आई लव यू कितना यूज हुआ है, यू नो मोहब्बत कितना यूज हुआ है, इश्क कितना यूज हुआ है, तो देन व्हाट डू यू बोलना तो पड़ेगा, आपको दिल की बात तो बतानी पड़ेगी. तो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक द कॉन्टेक्स्ट इज साल का पहला ही वीक रह गया था. लाइक पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू ईयर. एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट रिलीज होगी.
देखिए हमने इस पिक्चर के पोस्टर पे लिख दिया है दिस न्यू ईयर मेक योर बेस्ट मूव, मगर उसका हम बोल नहीं सकते, हम थोड़े हम्बल हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि दिस इज मेक सी योर बेस्ट मूवी। अब बोलना नहीं चाहिए हमको खुद ही, पर हम सीधा बोल रहे हैं कि आप आके देख लीजिए। देखिए देखिए बच्चन साहब हो या फरहान के साथ मैंने पहली बार काम किया, या आमिर के साथ हो या जिसके अनिल कपूर के साथ जाए, मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि वो कैरेक्टर किरदार जो है वो फिल्म में बिल्कुल एकदम जम जाए। और इस फिल्म में जो मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइज है कि मैंने जब फिल्म देखी, मैंने मुझे बोला गया कि जावेद अख्तर के बेटे हैं फरहान साहब, इनका पहला एक्शन मूवी है, तो मुझे यकीन नहीं आया फरहान के इनका पहला एक्शन मूवी, लेकिन इतना अच्छा इन्होंने एक्शन किया है, ऐसे गन लेके चलाते हैं कि सारी ज़िंदगी गन चलाई है। तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा ज़रूरी कि हर कलाकार, चाहे अमिताभ बच्चन हो, फरहान अख्तर हो, अदिति हो, हर कलाकार उसको बिल्कुल, और निर्देशक इसके बिजॉय ही बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही लोग फिल्म को बनाए। My comfort level by doing romantic numbers. हाँ, नहीं, I'm comfortable doing romantic numbers and romantic alphabets. You should ask me this question. मतलब you have to, you mean with Aditi how come? अकेले में romance. There's another word for that. Aditi Vinci. Sorry. yeah, I don't think I can tell you much about this. But yeah, Ruhana is established as a dancer in the film. She's a dancer, and since I've been dancing from whenever I can remember, it's been incorporated into it. See, when I was casting the film, I saw her test dancing, and I was looking for a dance. It took me 1 second to say Aditi Rao Hegde. So she's done a great job, I think. Well, I hope so. I had a wonderful time doing action. I've directed it a lot. Matlab Lakshmi direct kiya, Dawn series mein maine direct kiya. But it's a different experience when you're putting it together and different when you're doing it. Or for me, it was also great just to add to it. Kyunki jo iske pehle jo filmein thi, Rock On thi, ya phir Zindagi Na Milegi Dobara thi, Karthik Calling Karthik thi, usme hamesha mujhe bahut pitai hui hai. Arjun slapped me, Hrithik slapped me. राम कपूर असॉल्ट, यू नो, तो मतलब इतनी भड़ास थी मेरे अंदर, अभी एक मौका मिला कि मैं लोगों को पीटूं, गोली चलाऊं, उनपे लात मारूं, तो आई सो एक्साइटेड, इट वाज टू मच। सो नो वंडर यू डिड सो वेल। वो अंदर सेपरेट करेंगे। So are we done? Shall we? Is everything done here? A quarter of our life is like being spent in life of this. Oh, yeah. Wonderful. Yeah, I was just thinking that probably if you have a scene, you can make some better arrangement, like यहाँ पंखा लगवा देता। क्या क्या बोलिए? अच्छा बिंदू जी, आई एम मेकिंग ए सिनेमा ऑल इन बांद्रा, इट बी रेडी वेरी सून। तो यहाँ पर फैन लगा देते हैं। एक पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि जब ये जगह बनी थी इस ऑफिस के लिए नहीं बनी थी, इट वाज ओनली मेड फॉर पीपल टू गेट डाउन एंड वॉक इट। सो नाउ दैट दिस इज सीमिंग टू इमर्ज एट सम स्पॉट व्हेन मेनी पीपल आर गोइंग टू बी, तो हम कोई कुछ इसका करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।